गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रस्टी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट तरन, मुझे तो आप जानते ही हैं। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं एक नए प्रोजेक्ट पर, जहां पे मैं आज आपको एक 3 BHK अपार्टमेंट दिखाने वाली हूं। बट उससे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, 60 फीट वाइड रोड है आपका, आपके जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल साथ में जॉइंट रहेगा। जो जहां से अगर आप इधर सीधे चले जाते हैं तो ये रोड आपके हाई ग्राउंड रोड को कनेक्ट करता है, वहां से आप सीधा पटियाला हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो ये रोड आगे जाके आपके एरो सिटी के जी ब्लॉक को कनेक्ट करता है, मतलब यहाँ से आपको मल्टीपल हाईवेज की कनेक्टिविटी मिल जाती है। एंड बात करेंगे प्रोजेक्ट की तो कुछ इस तरीके का एलिवेशन हमारे प्रोजेक्ट का रहने वाला है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2.5 एकड़ का कंप्लीट टाउनशिप है, जिसमें आपको 3 BHK की 78 यूनिट्स मिल जाएंगी। 3 BHK के साइज़ की बात करूंगी तो 1300 स्क्वायर फीट इसका साइज रहने वाला है। स्टिल्ट में सारी पार्किंग आ जाएगी, S+3 का कंसेप्ट है एज यू कैन सी। एंड बात करूंगी मैं पार्किंग की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 फीट की पार्किंग आपकी सारी रहने वाली है। एंड गाइज एक और चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि आपकी जो स्टिल्ट है उसी में आपको एक स्टोर भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके अपार्टमेंट के साथ, जिसको आप मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं, 7 रूम भी बना सकते हैं। अगर स्टोर के तरीके से यूज़ करना है तो उस तरीके से भी आप यूज़ इसको कर सकते हैं। तो गाइज आज का जो हमारा फ्लैट है ना, वो आपको इतने अच्छे प्राइस में मिल रहा है कि मुझसे ये भी वेट नहीं हुआ कि मैं इनका सैंपल रेडी होने दूँ। मतलब मैं पहले ही पहुँची हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। जो मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगी वो रॉ फ्लैट है, मतलब सैंपल फ्लैट ये लोग बना रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा काम चल रहा है। बट आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि किस तरीके का फ्लैट रहना है। आपको ये फ्लैट जो है वो सेमी फर्निश्ड मिल रहा है, मतलब दोनों ऑप्शन मिल जाएंगी। अगर आप फर्निश लेना चाहते हो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, सेमी फर्निश लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। आपकी मर्जी, आपको जैसा लेना है आप उस तरीके का यहाँ पे फ्लैट परचेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने फ्लैट की ओर। एंड साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सेमी फर्निश में विद द परचेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आइए सो गाइस, फ्लैट में एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपका स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड है एंड सेंटर में आपका लिफ्ट आ जाएगा, तो दोनों में से किसी का भी यूज़ आप कर सकते हो। एंड यहाँ है हमारा आज का अपार्टमेंट, जो आज मैं आपको टूर करवाऊंगी, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपका 3 BHK रहने वाला है। आइए अंदर। सो एंट्री करते ही कुछ इस तरीके का आपका मेन डोर आ जाएगा। एंड ये जो आपका मेन डोर रहेगा गाइज, ये रहेगा आपका विद डिजिटल लॉक, जिसको आप कार्ड से, की से, थंबप्रिंट से, किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। फुली सिक्योर रहने वाला है। एंड जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो पूरा घर है ये आपका स्मार्ट होम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको आप एक ऐप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं पर भी हो, घर की लाइट खुली छूट गई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐप से आप उसको बंद कर सकते हैं या फिर एलेक्सा से भी पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। So, एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे काम चल रहा है, सैंपल अपार्टमेंट ये लोग बना रहे हैं। बट मैं वेट नहीं कर सकती थी आपको ये फ्लैट दिखाने के लिए, तो मैं पहले ही पहुँच गई हूँ। सो ये फ्लैट जो है आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है। ऊपर आप देख सकते हैं फॉल्स सीलिंग बनी हुई है ऑलरेडी, लाइटिंग है बीच में, ये सारा आपका एज इट इज़ रहने वाला है। फ्लोरिंग आपकी इसी तरीके की रहेगी एंड कुछ इस तरीके का साइज रहने वाला है आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस का। इसके प्रॉपर स्पेस की अगर मैं बात करूंगी तो 8x10.6 इसका स्पेस रहने वाला है, साइज रहने वाला है, जहाँ पे यहाँ पे आप अपना सिटिंग प्लेस कर सकते हैं, अपना सोफा वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड सामने वाली वॉल पे आपका LED आ जाएगा, आप चाहेंगे यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आपके पास स्पेस आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी अपना LED पैनल वगैरह अच्छे से बना के अपना LED आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा आपका लॉबी एरिया, ड्राइंग डाइनिंग एरिया। देन यहाँ आ जाएगा हमारा किचन। सो ये आ जाएगा किचन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी अपने कंप्लीशन स्टेज पे है। मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। जैसे कि आप ये कैबिनेट्स देख रहे हैं ये आपके एज इट इज़ रहेंगे, नीचे भी आ जाएंगे आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहने वाले हैं। ये ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, स्पेस काफ़ी अच्छा है कैबिनेट्स में। और नीचे के कैबिनेट्स की बात करेंगे तो इसमें भी आपको डिफरेंट साइज कैबिनेट्स मिल जाएंगे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, मतलब अपना सारा सामान आप इजीली इनमें स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा आपकी चिमनी के लिए स्पेस,
ये सारा आ जाएगा आपका कुकिंग काउंटर, यहाँ पे गैस पाइपलाइन के लिए स्पेस आ जाएगा, एंड यहाँ आएगी आपकी ड्यूल सिंक जिसके सामने आपका पूरा विंडो आ जाएगा। इसका फायदा आपको ये होने वाला है, कभी भी दिन में आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपको लाइटिंग वगैरह ऑन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल लाइट आपको बाहर से इतना ज्यादा आ रहा है। आप देख सकते हैं किचन में आपका बहुत कम लाइट जला हुआ है अभी, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सनलाइट यहाँ से आ रहा है, तो काफी अच्छी चीज है ये आपके किचन के लिए, क्योंकि किचन में सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थी हमारी किचन, अब चलते हैं रूम्स की तरफ। सो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसकी साइज की बात करूंगी तो 10x11 अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटर में आपका बेड है, देन साइड्स में आपके कबर्ड्स आ जाएंगे, तो इतना स्पेस है आपके रूम में कि जितना फर्नीचर रिक्वायर्ड होता है एक रूम में आप इजीली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर में आपका बेड आ जाएगा, साइड में कबर्ड्स हैं, सामने आप अपना LED पैनल बना सकते हैं, यहाँ पे अपना LED लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका वॉशरूम आ जाएगा। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि वॉशरूम में आपकी जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड रहेंगी, एंड जो आपकी लाइट्स रहेंगी वो विद सेंसर यहाँ पे रहने वाली हैं। तो अभी यहाँ पे जो फिटिंग्स वगैरह तो नहीं हो रखी हैं, बट आप स्पेस का आइडिया यहाँ से लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा स्पेशियस आपको वॉशरूम यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन बात करेंगे वेंटिलेशन की एंड बालकनीज की, तो यहाँ पे आ जाती है आपकी बालकनी, फ्रंट बालकनी जो रहेगी आपकी इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड। आइए, सो ये आ जाएगी आपकी बालकनी, आप देख लीजिए स्पेस काफ़ी अच्छा है, इतना सिटिंग वगैरह की एक्टिविटी यहाँ पे आप कर सकते हो, प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, लाइक इतना ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रेलिंग नहीं लगा हुआ है, बट बहुत जल्दी यहाँ पर रेलिंग लग जाएगा, जब भी आप अपार्टमेंट परचेज करेंगे आपको ये ड्रिलिंग मिल जाएगा यहाँ पे। और उससे भी अच्छी बात कि ये जो बालकनी है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप प्रॉपर आ रही है, तो उस चीज का भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलेंगे हमारे सेकंड बेडरूम में। सो इसका स्पेस रहने वाला है आपका 9x11x13 अप्रॉक्सीमेटली। आप देख सकते हैं बेड आपका सेंटर में है, उस साइड आपके कंप्लीट कबर्ड्स आ जाएंगे, आपको तीनों रूम्स में गाइस विद द परचेज कबर्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे साइज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े कबर्ड्स आ जाएंगे, वो स्लाइडिंग डोर रहने वाले हैं, एंड फुल वॉल लेंथ के कबर्ड्स है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पूरा सीलिंग हाइट तक आ जाएंगे, ऊपर भी आपको स्पेस मिल रहा है, नीचे तो है ही, वहाँ पे नीचे भी आपको स्पेस आ जाएगा कि अपने फुटवेयर्स वगैरह आप यहाँ पे रख सको ईजीली। एंड सामने वाली वॉल पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्पेस आ जाएगा आपकी LED पैनल्स के लिए, जहाँ पे आप अपना LED लगा सकते हो। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी पूरे ही घर में आपको फॉल सीलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बना के दे रहे हैं, जिसमें आप बीच में ये लाइट्स भी देख सकते हैं, एज इट इज रहने वाला है आपके पूरे घर में। एंड देन यहाँ पे रहेगा वॉशरूम, अगेन ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, एंड विद सेंसर लाइट्स आपका वॉशरूम रहने वाले हैं। एंड यहाँ आ जाएगा आपका बैकयार्ड जो इस रूम के साथ कनेक्टेड रहेगा। सो आप देख लीजिए स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, वॉशिंग वगैरह का जितना भी एक्टिविटी आपका होता है वो आप कर सकते हो ईजिली, टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड रहेंगे, तो अपना वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड एक और अच्छी बात कि ये आपका पूरा ओपन स्पेस आ जाएगा, तो लाइटिंग के लिए एंड वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी, क्योंकि पूरा ऊपर तक ओपन रहने वाला है। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब इसी के साथ यहाँ पर रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। आइए, सो इस रूम का साइज रहेगा आपका 11x13, आप देख लीजिए इसमें भी आपका बेड सेंटर में लगा हुआ है। इस फर्नीचर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना फर्नीचर अपने रूम में रख सकते हैं, उसके बाद भी आपको मूव करने के लिए कितना स्पेस बच जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना स्पेस बच रहा है कि आप अपने वॉशरूम के लिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एंड उस साइड आपका इतना स्पेस बच रहा है कि आप अपने कबर्ड्स इजीली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका विंडो भी आ जाएगा जो आपके बैकयार्ड में ओपन होता है फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। यहाँ पे रहेगा आपका वॉशरूम अगेन विद सेंसर लाइट एंड ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। एंड एक बार मैं आपको कबर्ड्स भी दिखा देती हूँ। सो आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपके कबर्ड्स रहने वाले हैं, स्पेस काफ़ी अच्छा है कबर्ड्स का, पूरे सीलिंग हाइट तक कबर्ड्स रहेंगे, ऊपर भी स्पेस है, सेंटर में भी आ जाएगा आपका, नीचे भी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको विद द परचेज ही मिल रहे हैं पूरे घर में कबर्ड्स। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, लाइटिंग के साथ बिल्कुल ऐसे ही आपको विद द परचेज मिलने वाले हैं। सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे, अब मैं आपको 3 BHK पूरा दिखा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेंज में आपको ये फ्लैट मिल रहा है जरकपुर जैसी लोकेशन पे। एंड एक और
ऑफर है आपके लिए, अगर आप रेडी टू पोजेशन सर्च कर रहे हैं, आपको पोजेशन की जल्दी है कि दिवाली जैसे बहुत अच्छे मौके पे आपको अपने नए घर में शिफ्ट करना है, तो वो फैसिलिटी भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ये फ्लैट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।